मेरा कबीगाफी हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया 8 जेर देने वाले अल्फाज कल हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी? मुरक्कब तौसीफी। ठीक कोई बात नहीं, मैंने जो है ना आधे घंटे पहले पहले ही जो है मना कर दिया था, अब मैंने हाँ कर दिया है। वैसे नहीं होनी चाहिए, अगर मौसम अगर इसमें खास हो तो सिर्फ भी इसमें खास होनी चाहिए, जैसे कि ऊपर में सारे, ठीक है। इसमें असल जो मेन बात उन्हें कही वो ये कही है कि इसमें आम होगा तो ये भी इसमें आम होगा, ये इसमें अगर खास होगा तो ये इसमें भी इसमें खास होगा। ये नहीं होगा कि अगर मौसूफ अगर जो है वो अगर इसमें आम है तो ये इसमें खास नहीं हो सकती, अगर ये इसमें खास है तो ये इसमें आम नहीं हो सकती, तो ये एक जैसी चीज है, ठीक है। ये इनकी निशानी होती है। वैसे आपको जब मिलता है कि जैसे भी होता है ना कि जब आप एक कौन आए एक जब आगे आपको इस किस्म की और चीजें मिलेंगी जिसमें होता है जैसे कि एक इसमें खास है और दूसरी चीज इसमें आम है जो साथ जुड़ी हुई है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक साथ जुड़ी भी नहीं होती, वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि ये कुर्सी टूटी भी है, ठीक है, कुर्सी टूटी भी है, ये नहीं होगा टूटी भी कुर्सी। टूटी भी कुर्सी अगर लिखना होगा तो दोनों ही इस खास में आ रहे होंगे। अगर होगा कि एक कुर्सी टूटी भी है तो उसमें ये होगा कि दूसरी वाली चीज इसमें आम में होगी और पहली वाली इसमें खास में होगी, अगर खास पॉइंट आउट कर रहे हैं तो अगर जब वो एक जैसी चीज होती है ना जो, तो तब जाके वो मुरक्कब बनती है। और अगर वो अलग अलग होती है ना कि एक इसमें आम है और दूसरी इसमें खास है, तो पता चल रहा होता है कि वो उसके बारे में बात यानी इस तरह से हो रही है कि वो इकट्ठा करके नहीं बोला जा रहा। जैसे कि कमरा बड़ा है या फिर एक बड़ा कमरा, ठीक है, बड़ा कमरा, बड़ा कमरा होगा वो अलग अंदाज में बोला जाएगा, वो एक ही अंदाज में उसका जो होगा ना वो इसमें खास में होगा या इसमें आम में होगा। एक बड़ा यानी अगर हम दूसरे वाले को इसमें आम में लेंगे उसकी सिफ्ट को और उसको इसमें खास में लेंगे, तो वो एक दूसरे का मरकब मरकब नहीं रहेगा। अगर आपने उसे मरकब बनाना है ना, इस नेक अमल अमल नेक है, अगर आप कहेंगे ना अल अमल हो सॉलेह हो तो होगा कि अमल नेक है, ठीक है। मैं अगर आपने उसे नेक अमल बनाना है बिल्कुल जोड़ के आपने उसको एक एक वर्ड एक इसम बनाना है, यानी दो इसमों को मिला के आपने एक इसम बना दिया ना, अगर आप कहते हैं अमल नेक है तो वो एक इसम नहीं होता, आप अमल की तारीफ बता रहे हैं बिल्कुल एक जुमले जुमला करके। मगर आप एक वर्ड में लेकर आ रहे हो उसे, सिंगल वर्ड में लेकर आ रहे हैं, दो मुरक्कब बना के एक चीज बना रहे हैं, तो उसको आपने उनको अगर वो इसमें आम है तो दूसरी भी इसमें आम होगा, मौसूफ अगर इसमें आम है तो सिर्फ भी इसमें आम होगी, मौसूफ अगर इसमें खास है तो सिर्फ भी इसमें खास है। अगर इनमें से एक चीज इसमें आम है और एक चीज इसमें खास है तो उसका वो जो है मुरक्कब नहीं रहेगा, वो एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। कमरा बड़ा है, अमल नेक है, चीज अजीब है, अजर बड़ा है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंफ्यूजन तो नहीं है? अलिशबा को तो आवाज आती है, वो बात बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी ना आवाज़ बहुत कम आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ आ गई। उनकी वो चीज़ मरकबी तौसीफ़ी हम जब बनाते हैं, जब जो चीज़ की हम सिर्फ बता रहे होंगे जिसको हम मौजूद कहते हैं, वो हम पहले रखेंगे और जो सिफ्ट होगी उसको बाद में रखेंगे। जी, और उसके अलावा हम ये ख्याल रखेंगे कि मुरक्कब का मतलब ही होता है कि वो एक वर्ड में लेकर आ रहे हैं, यानी दो वर्ड्स को मिलाकर एक नाम बन एक चीज बना रहे हैं, ठीक है, यानी उसे इकट्ठा करके बना रहे हैं, एक सेंटेंस की तरह नहीं ला रहे, ठीक है। एक थैंक मिनट यू। में और एक पॉइंट और था, इसमें अगर पहला वाला इसमें आम है तो दूसरा भी इसमें आम होगा, और खास है तो दूसरा भी खास ही होगा। हाँ, और अगर ये इसमें आम और इसमें खास नहीं, ये अलग अलग होंगे तो फिर वो सेंटेंस बन जाएगा, वो एक एक वर्ड नहीं रहेगा, वो एक जुड़ा हुआ वर्ड नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। यानी वो जैसे अजरन कबीर यानी बड़ा अजर, अगर हम उसे कहते हैं अल अजरन होगा ना, हाँ अल अजरन कबीर होगा तो अजर बड़ा है, ठीक है, वो एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। उन अजीब तो चीज अजीब है, ठीक है। अगर शई उन अजीब होगा, अगर हम उसे अशई उन अजीब कर देंगे, अगर हम उसे उसे वो कर देंगे इसमें खास बना देंगे शई को, मैं अजीब को हम इसमें आम रहने देंगे, तो वो होगा कि चीज अजीब है, अजीब चीज नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो ये जो मुरक्कब है, मुरक्कब का मतलब है कि दो चीजों को मिला के एक वर्ड बना दिया, दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड एक जान बना दिया गया, ठीक है। ये सेंटेंस नहीं है, ये इसम है, दो इसमों को मिला के एक इसम या एक वर्ड बनाया गया, ठीक है, एक सेट बनाया गया। और अगर आपने इसको या अगर आपने एक चीज को इसमें खास रखा और दूसरी को इसमें आम कर दिया तो वो जुमला बन जाएगा,
ठीक है, वो वर्ड नहीं रहेगा, वो सेट नहीं रहेगा, वो इस तरह से पढ़ा जाएगा कि चीज अजीब है। समझ में आ रहा है? अच्छा, जी उसके बाद जो है इसमें बस ये बता दिया गया है कि पहली वाली जो चीज, जो असल जो चीज है उसे वो मौसूफ होती है, और जो सिफ्त होती है, जो क्वालिटी यानी जो एडजेक्टिव है, जो नाउन की क्वालिटी को एडजेक्टिव कहते हैं ना, तो वो जो है वो आपका कहलाती है सिफ्त। और जो नाउन है जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है उस नाउन को मौसूफ कहेंगे। तो नाउन इसम ही है, ये इस है तो इसम ही, माँ इसका एक पर्टिकुलर नेम क्या रखा गया है यहाँ पे, मौसूफ। मौसूफ और सिफ्त का वो सेट है ये, ठीक है। इसमें मुरकब तौसीफ थी। अच्छा, इसके बाद दूसरी क्या चीज है, ऐसा यहाँ क्या लिखा है, ऐसा इसम जिससे किसी चीज, किसी शख्स, चीज, जगह, जानवर का नाम मालूम हो, ऐसा इसम जिससे कोई खूबी या खामी या हालत कैफियत मालूम हो, यानी इसमें ये सिर्फ के बारे में बता रहे हैं और ये मौसूफ के बारे में बता रहे हैं। अगर मौसूफ मुदक्कर हो तो सिर्फ भी मुदक्कर होनी चाहिए, अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिर्फ भी मुअन्नस होनी चाहिए। काली रंगत हो गई, जैसे हम लोग हर जगह पे बोलते हैं बड़ी कुर्सी हो गई, ये नहीं होता कि बड़ा कुर्सी, या फिर छोटा औरत, ऐसा नहीं होता ना। तो हम लोग मौसू हम लोग मुअन्नस और मुदक्कर का सेट, हम लोगों का कॉमन सेंस है, जिससे हम लोग उर्दू बोलते हैं वही रूल्स अरबी में भी अप्लाई होते हैं, वही इंग्लिश में भी अप्लाई होते हैं। तो जो आपने, अगर आपकी अगर आपका मौसूफ मौनस है तो उसकी सिर्फ भी मौनस होगी, अगर मौसूफ मुदक्कर है ठीक है तो उसकी सिर्फ भी मुदक्कर होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेगा, कहीं भी कंफ्यूज हो। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने आपको सैंपल्स दिए हैं काम उसके, उस्वतुन हसनतुन, ठीक है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि ऐसे ये मौनस थी तो ये भी मोनस है, अजरन हसनन एक अच्छा अजर, तो ये मुदक्कर है तो ये भी मुदक्कर है, ठीक है। सिफ्त के आखिरी हर्फ का एराब जेर जबर पेश, मौसूफ के आखिरी हर्फ के एराब के मुताबिक ही लगाना लाना चाहिए। तो अगर जेर जबर पेश, अगर सिफ्त और मौसूफ की जो चीजें हैं वो एक जैसी हैं, अगर वो जेरी में है तो वो जेरी में रहेगा, अगर वो जबरी में है तो वो जबरी में रहेगा, अगर वो पेशी में है तो पेशी में रहेंगे दोनों चीजें, ठीक है। मौसूफ के आखिरी हर्फ के एराब के मुताबिक ही लाना चाहिए। अल्फौजुल अजीमु, ठीक है, अजरुन हसनन, उसवतुन हसनतुन, और भी मिसालें दी हुई हैं, ठीक है, और इनको देख लीजिएगा इसके बाद और कोई पॉइंट ऐसा है। सिर्फ के आखिरी हर्फ का एराब जेर जबर पेश, मौसूफ के आखिरी हर्फ के एराब के मुताबिक ही लाना चाहिए, ये तो हो गया ना, चौथे पे थे आप। वाहिद तस्निया और जमा में भी सिफ्त को अपने मौसूफ के मुताबिक ही लाना चाहिए, यानी वाहिद इसमें वाहिद तस्निया, तस्निया असल कन्फ्यूजन होती है, और जमा में उन्होंने मुजक्कर और मोनस को अलग अलग नहीं रखा, याद रखें जमा मुजक्कर मोनस अलग अलग नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, वरना वो मुजक्कर की अलग रूल चल रहे होते थे, मोनस के अलग रूल चल रहे होते थे, तस्निया एक अलग नई मुसीबत होता था, ये तो समझना मुश्किल होता था। मकसर के बारे में भी जिक्र नहीं किया, शायद मकसर के बारे में आगे बात होगी, मकसर की बात की गई है। तो मकसर वो होता है जो ब्रोकन प्लूरल होता है ना, जिसमें ज्यादातर फीमेल उसकी ग्रामर चल रही होती है, तो वो यानी इरेगुलर प्लूरल होता है। तो ये जो है ये, मगर बाकी के जो प्लूरल्स हैं, वाहिद भी और तस्निया जो दो का सेट है वो भी, और तीन या तीन से ज्यादा वाले जो हैं वो भी, उन सबको बता रहे हैं कि उनमें भी मौसिफ और मौसूफ की अपनी जो चीजें हैं वो एक दूसरे के मुताबिक ही लाना चाहिए, तो बड़ी आसानी हो गई है। रिजालुन मोमिनो रिजालुम मिनूना वनिसा मुमिनातुन, मोमिनूना है रिजालुम, मैं यहाँ पे तो जबर है, वनिसा मुमिनातुन, क्योंकि शायद इसमें जबर पेश होता नहीं है, मोमिनूना जो असल रूल है इसके जबर आने वाले हो तो जबर आने वाला ही रूल है ना, मोमिनूना थोड़ी सी वो दिखाई है ये कंफ्यूजन वाली। अच्छा, आगे शायद बताएं इसको डिफाइन करें। अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा हो तो सिर्फ तो वाहिद मोनस लाई जाती है, जिनो इंस के अलावा, गैर आकिल, गैर आकिल क्या होता है, मिन अबाबे मुतफरिक करते हैं अलग अलग दरवाजों से, वाहिद मोनस लाती, ये वो सी ये जमा मकसर टाइप की लग रही है, कि वो जो कुछ चीजें आई थी ना लिस्ट में हमारे, जिके कुछ ऐसे इसम होते हैं जो मोनस टाइप के, जिसमें चीजें आती हैं बाप बाप वगैरह और बैत और मुख्तलिफ चीजें थी जिसमें उन्होंने मोनस ही लगाते हैं, फिर
फिर वो जो जमा मकसर वाली जो चीज थी कि वो शक्ल उसकी थोड़ी चेंज हो जाती है जब उसको, यानी कि अलग कायदा होता है उनके प्लूरल बनाने का। तो मगर यहाँ पे ये है कि ये वो वाली चीजें हैं जो बेजान चीजें होती हैं नॉर्मली, थोड़ी सी ज्यादातर तो उनमें कुछ चीजें होती हैं जो मोनस से लाई जाती है, और जमा मकसर का भी यही रूल था कि उसमें मोनस को लेकर आते हैं चीजों को। तो ये जो है, वैसे तो होता है ना दरवाजा, अलग अलग दरवाजे, तो हमारा जो ये जो दरवाजा है यहाँ पे वो मोनस में आ रही है सिर्फ, उसकी सिर्फ मोनस में आ रही है। जैसे हम बड़ा दरवाजा कहेंगे वो कहेंगे बड़ी दरवाजा, यानी वहाँ पे अरबी में वो बड़ी वाला वर्ड होगा, यानी वो दरवाजे के साथ ना बड़ा वर्ड नहीं होगा, वो मोनस वाला वर्ड होगा उनके यहाँ के, यानी अरबी के लैंग्वेज में। अच्छा जिनों के अलावा की जमा हो, अगर मौसम गैर अकेले की जमा हो, ठीक है, गैर अकेले की जमा, वो भी जमा की बात हो रही है, सिंगुलर की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर वो जमा में होगा तो उसके साथ सिर्फ मौनस होगी, सिर्फ वाहिद मौनस, यानी चीज जमा है और मगर जो उसका सिर्फ है वो वाहिद मौनस है, इसको भी हम देख लेंगे। और क्योंकि जमा मकसर के अंदर ये बाब वाली बात आ रही है, यानी कि जमा मकसद में भी मॉडल्स की बात आती है, मगर गैर आखिल वर्ड ना इन्होंने पहली मरतबा बोला है, गैर आखिल टर्म इन्होंने पहले यूज नहीं की, गैर आखिल कंफ्यूज कर रहे हैं। खैर अच्छा, कुरान करीम की मिसालें अल्फाजुल मुबीनों, खुली कामयाबी, अल्फुसरानुल मुबीनों, खुला नुकसान, अल्फदलुल मुबीनों, खुला फदल। तो मुबीन ही वर्ड को क्यों ले रहे हैं स्पेशली, मुबीन फीमेल से शायद, चल हकुल मुबीनों अल आखिरी। और अच्छा, हमें ये देखना है असल चीज की इसमें जेर जबर पेश पे गौर करें कि जेर जबर पेश इसका अगर पेश है तो इसके भी पेश है, ये दोनों पेशी में, ये दोनों भी पेशी में है, ये दोनों पेशी में है, ये भी पेशी में है, ये जेर है तो ये भी जेर है, ये अगर जबर है तो ये भी कहाँ है, ये भी जबर है, सिराते मुस्तकीमा, सिराते मुस्तकीमा अलकौम जालिमोना। मगर ये जो ये वाली चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लूरल वाला लिखने का स्टाइल ही ऐसा है, क्योंकि ये यहाँ पे पेशी पता चल रही है, पेश वहाँ पे एंड में पता नहीं चल रहा, जो उसका वो है मुदक्कर सालिम है, उसका पेश यहाँ बीच में पता चलता है, जालिमोना है। अगर वो जेर या जबरी वाला होता तो जालिमीना होता, जेर और जबर में मुदक्कर याद है ना, मुदक्कर सालिम जो होता है वो जालिमीना बन जाता है, मगर जो पेश वाला होता है अगर इसम पेश में होता है तो उसका जो प्लूरल बनाएंगे आप मुदक्कर का सालिम बनाएंगे तो वो जालिमोना होगा, और अगर वो देर या जबर में था इसम सिंगल इसम सिंगुलर तो उसका जो आप उसका वो बनाएंगे क्या कहते हैं प्लूरल बनाएंगे तो जालिमीना होगा, जालिमोनो नहीं होगा, जालिमोनो सही नहीं होता, तो जालिमोनो होता ही नहीं, ठीक है, मुस्लिमोनो नहीं होता, मुस्लिमोना होता है। मगर क्योंकि उसका पेश को कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे पेश क्यों नहीं है, क्योंकि सब में पेश का बताया गया कि पेश है तो ये एंड में पेश होना चाहिए, एंड में नहीं होता, इसका जो पेश होता है जो प्लूरल होता है उसका पेश यहाँ पता चल रहा था, पेश और जबर, पेश और वाओ उसकी आवाज यहाँ निकल रही होती है, शार्प आवाज, मूंग की आवाज, और एंड में जो ना लग रहा है तो इसको ना नोट करें, इसको नोट करें कि इसका जो असल जालिम का था ना, जालिमों तो है, उसके असल जो वर्ड था जालिम का उसके ऊपर तो पेश है, उसके आगे ऊना का इजाफा है, ठीक है। ये अच्छा मुजक्कर सालिम है। हाँ, ये मुदक्कर सालिम सालिम है, अगर ये मुदक्कर सालिम पेशी में, अगर ये पेशी होता ना अलकौमी होता, अलकौमी तो जालिमीना होता, या अलकौमा होता तो जालिमीना होता, यानी जालिमीना जो है वो पता है ना, ये जेरी जबरी दोनों में जालिमीना होता है, और पेशी में जो होता है जालिमोना होता है। हाँ, कंडीशन वो थी ना उनकी, अगर बनाएंगे तो फिर वो कोई लगाएंगे। जबरी के लिए अलग नहीं होता, जबर और जेर में जालिमीना होगा, और पेश वाली चीज को अगर आप जब करेंगे मल्टीप्लाई प्लूरल करेंगे तो वो जालिमोना होगा। तो ये अगर अलकौमू है तो जालिमोना है, अगर अलकौमी होता या अलकौमा होता तो जालिमीना होता, और उसका जो वो है जबर वहां पे पता नहीं चल रहा था, उसका जबर बस एंड में जबर होता है तो बस वही आवाज निकल रही होती है जबर वाले में, मगर पेश में यानी जो असल जो इसम होता है उसमें यहाँ पे आवाज चेंज हो रही होती है, जालिम के ऊपर पेश लगा यहाँ पे जालिम के असल वर्ड पर मीम पर, और वहां पे जालिम के असल वर्ड पर जेर लगा होता है, या फिर एंड में जबरी जो भी आ रही है, तो बस उसका एक रूल है कि जेरी और जबरी दोनों में वो जालिमीना होता है, कोई अलग से कोई नया वर्ड नहीं होता, क्योंकि अगर उसके वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे जालिम मई नहीं करेंगे, मई ना करेंगे तो तस्निया की शक्ल आ जाएगी,
तस्निया उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए ने देरी और जबरी का एक सेट रखा है उसके लिए, मजीद जबर के लिए नया नहीं बनाया, ठीक है? क्योंकि जबर के लिए अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो तस्निया से मिक्स हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा कहाँ गया, के बाद है अगर मौसूफ गैर आखिर, ये तो हो गया था ना कि जमा हो तो सिर्फ वाहिद मानस लाई जाती है, ये भी हो गया था। फिर मिसालें दे दी, मिसालें हम पढ़ रहे थे। फिर अब हमने कहाँ जाना था, समनन कलीलन सब कुछ क्लियर है, ठीक है? सिर्फ एक जगह कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन मैंने आपको क्लियर कर दी है, वो है जमा मुजक्कर सालें। अच्छा जी, ठीक है। जू जो था ना, ये उसका था, ये आपको पता है ना, हरफे जार है, जिसकी वजह से ये चीज देरी में आई तो इसकी तौसीफ भी देरी में आई, यानी इसम देरी में आ गया। जू फजली यानी फजल वाला, ठीक है? जू फजली, जब फजल फजल का ये देरी में गया तो इसका अजीम भी, यानी इसकी तौसीफ भी, इसकी सिर्फ भी देरी में चली गई, इसम देरी में गया। और देरी में क्यों गया, क्योंकि इससे पहले ये हरफे जार आ रहा है। यहाँ पे भी देखें, ये देरी में चले गए, जुल लगने की वजह से ये देरी में चले गए। और हेलो, ये जो वर्ड आया है यौमल हज्जिल अकबारी, ये किस तरह होगा? ये रसूल करीम के नीचे वाला वर्ड है? नहीं, हाँ ये वाला, एक लाइन नीचे है इसके स्टार्टिंग पॉइंट में, इधर इसके स्टार्ट में है 9 और 3। हाँ जी, यौमल हज्जिल कभी अकबरी, अकबर। यौमल हज्जिल, ये जो है ना, ये एक वर्ड है, ये मुरकब इजाफी है। यौमल हज्जी यानी हज का दिन। जब मुरकब इजाफी पता है ना, मुरकब इजाफी में पहला वाला क्या होता है, मजाफ और मजाफ इलाही, मजाफ का जो हाँ देर होता जी, है वो नहीं छेड़ रहा होता, चेंज नहीं हो रहा होता जब तक कि पीछे कोई हालत देरी या कोई और वजह नहीं बने, ठीक है? मैं उसके आगे जो मुदाफे इलाही होता है वो देर में होता है, पता है ना? तो ये मुदाफ और मुदाफे इलाही, ये एक इसम है, यानी ये मुरकब इजाफी है। मुरकब इजाफी का जो तौसीफ है, ठीक है? तो ये मुरकब इजाफी का एंड जो था असल वो जेर में था ना, तो ये भी जेर में गया, यानी इसके दफा सही। दबर में नहीं रहा, ये इसके देरी यानी इसके मुरकब इजाफी के इलाही के हिसाब से ही चलेगा, मुदाफे इलाही के हिसाब से, लिया के हिसाब से। यानी यौमल हज्जी वो मुरकब इजाफी है, और जो अकबरी है वो तौसीफी है, और हाँ, इन तो दोनों का मुरकब मिक्सचर इजाफी पूरा का बना। पूरा मिला के एक वो है, मौसूफ है, ठीक है? यहाँ पे पूरा का पूरा मौसूफ है, ये जो है ये पूरा सेट एक मौसूफ है। इस मौसूफ का जो एंड हो रहा है वो जबर जेर पे हो रहा है, ठीक है? तो जी, समझ आ गया। ये जेर पे हो रहा है तो ये भी जेर पे है। अल कलीमु तय्यिबु, ठीक है? ये एक है और ये एक है, वा लगा हुआ यानी और, यानी दो का सेट बता रहे हैं, ये दो दो अलग अलग मौसू वो हैं, मुरकब तौसीफी है, एक मुरकब तौसीफी ये है और एक मुरकब तौसीफी ये है, और वा लगा हुआ है कुछ। का पता है ना, का उन्होंने स्टार्ट में बताया था, का जो होता है वो भी एक वो है, हुर्फे जर है। का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर, कि एक शजर एक पाक दरख्त की मिसाल है, उसमें तो ना कलमा तैयबा की मिसाल एक पाक दरख्त की है, तो कुरान शरीफ में आयत है। तो काश का या कमसली होता है या का शॉर्ट होता है, दोनों का मतलब होता है कि एक इस फला की मिसाल जैसे होता है ना, मिसाल दे रहे होते हैं तो का लगाते हैं शुरू में। अब ये क्योंकि हुरफे जर था तो इसने क्या किया, इसको देरी में ले आया, इसको देरी में लेके आया तो ये भी देरी में चला गया, यानी शजरा होता है, का जो है ये हुरफे जर साथ में जुड़ा हुआ है, का शजरती, ठीक शजरता के बजाय या तू के बजाय ये ती हो गया, और इसके ऐसे तौसीफी भी ती में चला गया। ये मुरक्कब इजाफी है, रब्बुल अर्शी, मुरक्कब इजाफी का मुदाफे इलाही देर में था तो ये भी तौसीफ भी देर में चला गया।
और कहाँ कहाँ इस तरह का देरी वाले देखते हैं, देरी में ये भी जड़ हालत उस पे जड़ गया था। और देरी देखते हैं, देरी कहाँ कहाँ है, देरी में हम लोग एक्सपर्ट हो गए ना, तो देरी को नोट करते रहना चाहिए। ये भी देरी की है। बी सुल्तानी, बी जो है पता है ना, हरफे जर है, साथ होना सुल्तान के साथ, बी हाँ लगा जी तो ठीक है। ठीक ये देरी में चला गया, देरी में गया तो मुबीन भी देरी में चला गया। और कहाँ है देरी वाले, देरी वाले मजा आ रहा है, देरी जो है ना वो हमारी और प्रैक्टिस हो जाती है। सी सी भी हाँ हरफे जर है, ठीक है, के में यानी इसके अंदर, या के लुहम यानी लुहे, लुहिन महफूज, लुहिन महफूजिन, तो लुहे महफूज में होना, यानी जैसे होता है ना में है ये के अंदर या उसमें। ये मैंने सुनी हुई शायद लोहे महफूज में है, यानी कि जो अल्लाह ताला ईसा आयत में बताए थे कि जो मतलब गेम हो रहा है ना दुनिया के निजाम नहीं, वो लोहे जो किताब है ना उसमें लोहे महफूज है सब महफूज में कुछ। सब कुछ अल्लाह तरह है समाया और किया हुआ है। अक्सर जगह पे ओके मल्टीपल जगहों पे ये वर्ड, ये टर्म आ रही है। ये फी लगा है तो ये देरी में चला गया, ये देरी में गया तो इसका तौकीफ भी देरी में चला गया। अच्छा ये देरी में क्यों है, वैसे देरी में कोई वैसे भी होते होंगे मगर ये देरी में, या जैसे ये पहले वाला वर्ड डाला नहीं गया रुसूल इन करी में, क्योंकि नॉर्मली देरी में जब चीजें जा रही हैं तो उनकी हर हर एक के साथ पता चल रहा है कोई वजह थी जो देरी में गई, या तो ये इस ठीक वजह से चले गई क्योंकि ये मुरक्कब तौसीफ भी है। मगर मुरक्कब, अच्छा मुरक्कब इजाफी में एक और क्या क्या निशानी होती है मुरक्कब इजाफी की, याद है ये मुरक्कब इजाफी है या नहीं है ये बताएं। हाँ मुरक्कब इजाफी ये है या नहीं है, तौसीफी नहीं की बात नहीं करी मैं, इजाफी की बात कर रही हूँ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी एक निशानी मेन क्या थी। पहला वाला जो होता है मतलब जिसकी सिर्फ बताई जा रही थी। नहीं मैं क्या देख चीज, के बताती हूँ नहीं नहीं देख के ना बताए ना, ये क्या बात हुई, देख के बता नोट में बनाती हूँ ना। अच्छा रुकिए मैं मैं सोच आपको बताती हूँ। रही हूँ। अच्छा यहाँ पे हमारे पास मुरक्कब इजाफी वाले और कौन कौन से हैं, जिसको हमने मुरक्कब इजाफी देखकर बता रहे थे कि ये मुरक्कब इजाफी है, ये जैसे मुरक्कब इजाफी है ठीक है, हाँ यो और ये भी मुरक्कब, ये नहीं और कौन सा मुरक्कब इजाफी, मतलब इजाफी ना, मैं आपको कुछ और से बता उसमें रही ऐसा होता था ना कि जो मुजाफ होता था ना, मतलब कि जिसकी बता रही खसूसियत वो पहले आते थे मेरे ख्याल में, ऐसा कुछ था ना कि जिसके बारे और में बात हो जो मैं रही। बताना चाह रही थी वो आपको यहाँ पे ना पता नहीं चल पा रही। इसमें ये मैं जो आपसे पूछना चाह रही थी ना कि ये मुरक्कब इजाफी है या नहीं, ये आपको पता नहीं चल पा रहा। वैसे तो ये मुरक्कब तौसीफी है, कुछ और बताती हूँ, मगर आपको अगर पहचानना हो कि मुरक्कब इजाफी कोई चीज है या नहीं तो उसकी क्या निशानियां होती जो उसकी आखिरी जो दाखिले थी वो हमेशा जेरी में होती है, एक तो है, ये और क्या बात होती निशानी है। होती है जो मजाफ होता है ना पहला वाला वर्ड, उस पे तनवीन नहीं होती कभी भी, तनवीन गिरा दी जाती है। हाँ ये बता दो। अच्छा मुझे एक बात याद नहीं आ रही, मुजाफ की क्या डेफिनेशन थी, मुजाफ फले की क्या डेफिनेशन थी, वो तो मैं भूल ही गई। मजाफ जो था वो पहला वाला वर्ड होता है ठीक है, हाँ जिस अब जैसे ये है रबुल रबुल अर्श, यानी जो असल जो रब यानी अर्श का रब, तो जो चीज है जो बंदा जो इसम है असल वो पहले है, और जिस चीज का ताल्लुक है, जिससे ताल्लुक है, जिस वो जिससे ताल्लुक है वो अच्छा बाद में है, और जिसका ताल्लुक है वो पहले है हाँ ये वाली बात ठीक है, जिसका ताल्लुक है वो ठीक पहले है और जिससे ताल्लुक है वो बाद में। है। ये जो रसूल करीम है फिर ये मुरक्कबे तौसीफी इजाफी नहीं है ना। हाँ ये तौसीफी है, बस मैं ये चाह रही थी कि आपको ये पूछूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इजाफी की क्या निशानियां होती है। इजाफी की निशानी में आपको ये तो समझ में आ रहा था कि एक चीज देरी में है बाद वाली, मैं आपको ये नहीं पता था कि पहली वाली चीज बाद वाली चीज देरी में होने के अलावा तनवीन भी हो सकती है अगर वो इसमें आम है, मगर जो पहला वाला वर्ड है अगर वो इसमें इसमें आम है भी, तो अगर अगला वाला अगर तनवीन है और पहला वाला तनवीन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मुरक्कब इजाफी हो सकता है, मगर अगर दोनों में तनवीन आ रहा है तो कभी भी आप उसे मुरक्कब इजाफी ठीक नहीं बन समझ सकते, जैसे कि ये वाला वर्ड है है इसे आप ये वाला वर्ड कभी भी मुरक्कब इजाफी नहीं समझ सकते आपसे, क्योंकि इसके इसमें जो तनवीन आ रहा है तनवीन गिर जाता है अगर एक मुरक्कब इजाफी होता। सही है, अब मुझे याद रहेगी। जबकि ये इनका उल्टा रूल ये होता है कि ये एक दूसरे के तरीके पे चलते हैं, अगर इस पे तनवीन आ रही है तो इस पे भी आ रही है ठीक है, हाँ
तनवीन क्यों आ रही है, इन दोनों पे क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अगर तनवीन आने का मतलब है कि इसमें आम में तनवीन आती है, इसमें खास में नहीं आती, तो यानी अगर ये इसमें आम है तो ये भी इसमें आम है। और फिर तनवीन किस किस्म की है, उसी किस्म की यहाँ पे भी होगी। अगर इस पे जेरी वाली तनवीन है तो इसमें भी जेरी वाली तनवीन होगी, अगर इस पे दबी वाली है तो इस पे भी दबी वाली माय अकॉर्डिंग होगी। आपने तो टेस्ट ले लिया मेरा, टेस्ट ले लिया या नहीं लिया? ले लिया। इतने से टेस्ट को आप टेस्ट कह रही हैं? अच्छा, आप बहुत मुश्किल टेस्ट लेती हैं फिर, इसका मतलब। ये तो मैंने आपसे ऐसे सवाल पूछे हैं, टेस्ट तो बहुत कुछ होने चाहिए। कुरान शरीफ का टेस्ट तो इतना छोटा नहीं होगा। अच्छा, तो जो है अल कलिमु तय्यिबु वल अमलु सालिह, इसमें कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जो डिफरेंट हो जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं? और उस टेस्ट का जवाब तो मैंने ही दिया, आपने कौन सा दिया था उसका जवाब? तो मैं फेल हो गई ना टेस्ट में। अच्छा, हाँ, मेरा शैतानी रजीम। अच्छा, उम्मत गुलाम गुलाम मई नहीं, गुलाम ही नहीं, देख रहे हैं ये क्या है, तस्निया है, देखा वर्ड मई नहीं, यतीम मई नहीं, याद आया? तस्निया का हाँ जी। लेआउट है ये, तस्निया मतलब दो के बारे में बात हुई। ली टी का मतलब होता है के लिए, गुलाम मई नहीं, यतीम मई नहीं, यतीम गुलामों के लिए, ठीक है, दो यतीम गुलामों के लिए। इसको देखिए 18 का 32, ये तो सूरह कहफ, हाँ सूरह कहफ में याद है, दो यतीम जो बच्चे थे उनके बारे में बात हुई हाँ ना, दीवार जो बनाई थी जी, हाँ जी, हजरत खजर वो इस्लाम की गुलाम बात वर्ड क्यों बोला की उन्होंने, गुलाम वर्ड क्यों बोला है, गुलाम बच्चे थे, मगर बोला नहीं, नहीं। 82 तो बिल्कुल वहां, हाँ 82 में ही होता ना, हजरत मूसा इस्लाम को बता वही देते हजरत खिजर, और उसके बाद वाकया एंड हुआ 83-84 के बाद दूसरा वाला उनका जुल्कफिल का, उनका जुल उनका जुल्कर शुरू नैन पे शुरू बटैन हो का जाता है शुरू फिर। हजरत 83 से, 82 पर एंड हो रहा था शायद, तो 83-84 से वो स्टार्ट हो जाता है दूसरा वाला, तो 82 पे ही एंड हो रहा था। तो ये गुलाम नहीं, गुलाम तो नहीं थे वो बच्चे, ये मैं क्या देख के होता बताती था? हूँ, हो सकता है किसी और मीनिंग में लिया जा रहा हो। गरीब बच्चे तो थे, गुलाम का मैंने सुना था, मैं देखती हूँ। हाँ, मैंने भी नहीं सुना, बस दो बच्चों को कहा था जिनके पेरेंट्स नहीं थे, आई थिंक। हाँ तो वो गरीब थे, देखते हैं क्या चक्कर है। 82, 82, और इस दीवार का मामला ये है कि ये दो यतीम लड़कों की है, ये गुलाम मई नहीं। अच्छा गुलाम शायद लड़कों के लिए वर्ड तो नहीं, यतीम, यतीम के मदीन जो इस शहर में रहते हैं, गुलाम लड़कों के लिए है। अमल जिदारु पकानु पकाना, ये गुलाम ही नहीं, यतीम ही नहीं, तो गुलाम जो है ना वर्ड ये लड़कों के लिए लिया गया है। हाँ इधर तो तर्जुमे दो यतीम बच्चे लिखे हुए हैं। तो बच्चों के लिए लिया गया है गुलाम का, गुलाम का वर्ड ये भी होता है मतलब। हाँ गया नाम, नाम है दोनों सिर्मा सिर्मा, हाँ अच्छा वर्ड बाय वर्ड में मिलता है ये। हाँ दो लड़कों की गुलामी, दो लड़के गुलामी नहीं, गुलाम यानी लड़कों को भी कहते हैं सिर्फ, गुलाम वैसे तो कहते हैं ना कि गुलाम है बंदा, गुलाम लड़के को भी कहते हैं। हमारे घर में एक बंदा बच्चा था, उसका नाम था गुलाम रसूल या तो गुलाम हुसैन क्या, तो उसको लोग गुलाम कह के पुकारते, मुझे इतनी शर्मिंदगी होती, मैंने कहा गुलाम क्यों कह के पुकार रहे हैं, तो अब कुछ और कहते हैं, अब पता चल रहा है इसका मतलब ही हाँ, लड़की। इधर इधर लिखा हुआ आ रहा है इनका, ली गुलाम इन दो लड़कों के, यतीमन जो दोनों यतीम थे। नहीं आपको ना सूरह कहफ में ये तो ये वाला वाक्य दो का है ना, इसके अलावा भी सूरह कहफ में फिर आपको दो वाले वर्ड तस्निया बहुत मिलेंगे। तस्निया में क्यों, क्योंकि वो दो पहाड़ियां, दुल्कर नैन, नैन, नैन जो है वो नैन जो निकल रहा है वो दो सिंगों वाला, ठीक है, सूरह कैफ दुल्कर का नैन तर्जुमा पढ़ा हुआ है मैंने, और किससे भी समझे, अगर मैं पढ़ा पढ़ूंगी ना, फिर मैं ढूंढूंगी उसमें। हाँ, फिर दो पहाड़ियों का जिक्र है, दो पहाड़ियों के दरमियान बंद बनाया गया, ठीक है, तो दो का जिक्र वहां पे, दो सदैन का पहाड़ियों लफ्ज है के ना उधर, सदैन जी। का लफ्ज आई थिंक, तो पहाड़ियों के लिए। हाँ
सदैन, तो सदैन तो उनके दरमियान के खिला की बात की गई है ना, जब दो पहाड़ियों की भी जब बात की गई है ना दूसरी जगहों पे, और जब और भी वर्ड पे वर्ड यूज किए गए हैं तो वहां पे भी तस्निया यूज किया गया, और भी आपको तस्निया मिलेंगे यानी वहां पे। तो तस्निया का लहजा क्या होता है, मईन, मीन नहीं होगा, मीना नहीं होगा, मईनी होगा, ठीक है, मईनी। ये खास तौर पर एक तो ये हरफे जर भी लगा हुआ है, मैं वो नॉर्मली तस्निया में देर आ रहा होता है, मगर कभी कभी जबर भी शायद हो सके, मैं मुझे कंफर्म नहीं, मैं नॉर्मली देर आता है, मगर ये मई की आवाज आएगा, मई तई, सही है, नैन, जुलकरनैन, तो ये भी उसी तरह से आ रहा था कि उनके तस्निया का है, वो कोई नैन का नैन नहीं है, वो नैन आवाज तस्निया की निकलती है। आपको बार बार इसलिए बताई कि आपको तस्निया में कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैं आपको बार बार जहन में डाल रही, ठीक है। तस्निया का मतलब होता है दो का पेयर, रिजाल मोमिनूना व निसा मोमिनातुन लैलन तवीलन मकामम महमूदन रिस्कम मालूमन। ये वाली जो वर्ड है ना कि इस तरह से जोड़ने वाला, ये अभी हम लोगों को सीखना होगा मेरे ख्याल से, है ना, ये आगे सिखाएंगे कि पेश ये नए तजदीद लगा के चीजों को भी जोड़ते हैं। अच्छा, अल हुज्जतुल बान बानिगातु कौलम मारूफान, कुछ है ऐसा, कुछ मिल रहा है जिसपे जिक्र किया जा सके, ये देखें ये ज़ेरी में चला गया है, मिन कौम अदुविन, ये भी हालत जर है और बजर है, सॉरी नीचे आ गए ऊपर आ गए, भी हो गया था, ये भी हो गया था, इसमें हम थे। अच्छा जी, इसके बाद जो है, अब हमारे पास इतना कुछ ऐसा नहीं है, सब कंफ्यू सब क्लियर है, ठीक है। हरफे जर के ऐसे आपको जेरी का भी आपको मिसालें पता चल जाती हैं, पिछली चीजें भी आपकी एक्सरसाइज होती रहती है, तो नोट करते रहा करें। अच्छा, मुस्तस्ना का मतलब है कि अब यहाँ पे ऊपर वाला जो रूल है और जिन पे लागू नहीं होता वो क्या है, इलल मस्जिद मस्जिद अक्सा, अभी आपको पता ना ये वाले वर्ड्स इनकी इनकी अल्फाजी आवाज ही डिफरेंट होती है, अब ये भी जो है ये जो है मस्जिद अक्सा, क्योंकि इनके एंड में जो है ना ये साइलेंट है, एंड का वर्ड साइलेंट है, देखा है अलिफ, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, निशान नहीं है, और ये भी साइलेंट है, ये भी साइलेंट है, और ये वाला अलिफ भी साइलेंट है, ठीक है। तो इसमें और इसमें जो है ये हुरफे जर आ रहा है तो ये जेरी में चला गया है, मैं ये साइलेंट है तो इसका ये नहीं चेंज नहीं होगा, ये दुनिया दुनिया नहीं बनेगा, दुनिया ही रहेगा, क्योंकि इसके एंड में अलिफ आ रहा है, और ये अक्सा भी ये नहीं चेंज मुरक्कबे होगा, तौसीफ ही नहीं बन सकता है ना इसी वजह से, क्योंकि नहीं हमें मुरक्कबे तो फिर तौसीफ है ये, मगर इसमें आवाज में वो चेंज नहीं आ रहा, यानी ये जो है ये अपने पैटर्न को ये अपने वर्ड है तो ये भी मुरक्कब तौसीफ है, ठीक है, मगर इसमें वो लेआउट इस तरह का नहीं है कि एक ही तरह की, इनकी सिफ्त और मौसूफ की जो है वो तनवीन और वो हरकत एक जैसी नहीं है, जैसे अक्सा होता है, हुस्ना होता है, कबरा कुबरा होता है, दुनिया है, इस तरह के जिनके एंड में ये साइलेंट वर्ड आ रहा है, ठीक है, और उससे पहले वाले को आप चेंज करेंगे तो दुनिया दुनिया हो जाएगा, दुनिया तो कुछ भी नहीं होता ना, वो तो एक वर्ड है पूरा, तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, और अब ये जाहिर है जब ये हालत जेरी में गया है तो हालत जेरी में तो जाएगा ही जाएगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये ऐसे वर्ड है जो हालत जेरी में नहीं जाते, ठीक है, ये वो वर्ड है जो हालत जेरी में नहीं जा रहे होते, तो इस वजह से इनकी तौसीफ भी जेरी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली हरफे जर लगने पर भी जेरी में नहीं जाते, अपने 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 साथ इनके लग जाता है तब भी हालत जेरी में नहीं जाते, ठीक है, तो इसलिए इनसे पहले वाले के साथ लगा मगर ये खुद जेरी में नहीं गए, ना ये पेशी में गए ना किसी में गए, तो ये वो वाले वर्ड्स हैं, ये तो इस तरह से नजर आता है, ये वाला आपने देखा होगा, ये अक्सा कुछ लोग अक्सा ये लगा के भी लिखते हैं, कुछ होता है मैं ये वो चीज, उसी तरह की दुनिया, दुनिया भी कभी चेंज नहीं होता, दुनिया दुनिया कभी नहीं कहलाता, या दुनिया कभी नहीं कहलाता, दुनिया इस तरह का नाम है ये। अच्छा, मंदरजे बाला आयात का उर्दू में तर्जुमा करें, अच्छा अब तर्जुमे की कहानी आई है।
वो तो खैर ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली तो उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है तर्जुमा आपने करना होगा, मशक अंदाजन करते रहेगा थोड़ा थोड़ा खुद से पढ़कर। और वरना फिर आया थोड़े थोड़े देखते रहेगा जुमला इस्मिया, वो तो अब चलो ग्यारह ग्यारहवा हो गया, बारहवा तो अलग ही होगा। जुमला इस्मिया वो चीज है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो जुमला बन जाता है अगर एक इसम है और एक खास है और एक आम है, तो जुमले